don't forget to click the bell icon. Dear students, आज मैं आपको क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक स्टैचू है, यहाँ पर हमारे पास ये पेडेस्टल है, पर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। दैट इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर ग्राउंड पर एक पॉइंट, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। यहां पर ये स्टैचू का टॉप है, दिस इज स्टैचू। यहां स्टैचू के टॉप पर ग्राउंड के पॉइंट से जो एंगल है वो आपके पास है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यहाँ पर ये पेडेस्टल का टॉप है, यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट एच के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है हम इसकी एक्स ले लेते हैं। पॉइंट्स को मार्क करते हैं, दिस इज ए बी सी एंड नाउ लेट, तो हम ज़ूम करके चलते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री आपके पास देखोगे, ये ट्रायंगल tangent of 45 degree, that is perpendicular CD upon base AD, that is CD upon AD. अब tangent 45 degree की वैल्यू 1 के बराबर है और जो perpendicular CD है उसकी वैल्यू h के बराबर है, AD that is equal to x, तो यहाँ से x इधर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी h is equal to x। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर। नाउ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी बी सी की 1.6, सी डी की एक्स एच, तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस एच। अब ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री, सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस ए, सो बी डी अपॉन ए। अब जो टेंजेंट 60 डिग्री है उसकी वैल्यू है रूट थ्री, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रूट थ्री इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू, हमने यहाँ से फाइंड आउट की, दैट इज 1.6 प्लस एच अपॉन AD की वैल्यू है x के बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं। सो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था h x के बराबर है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर भी h पुट करते हैं, सो दैट मीन्स 1. जो आपके पास आ जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन एच, यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब हम h को इधर ले जाते हैं, रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, एच कॉमन लिया रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 1.6, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इन टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो यह आ जाएगा 1.6 इन टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन इन टू रूट थ्री प्लस वन, तो यह आ जाएगा रूट थ्री का स्केयर माइनस वन का स्केयर, तो दैट मीन्स 1.6 इन टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, और ये 2 1.6 के साथ कैंसिल होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन, तो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग
from foot of tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Suppose आपके पास एक टावर है और दूसरी आपके पास एक बिल्डिंग है. अब यहां पर जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग. सपोज ये बिल्डिंग का टॉप है, यहां बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल है वो 30 डिग्री. ये 30 डिग्री का एंगल है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यहाँ टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो मान हम ये गिवन है आपके पास कि टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है. हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है. हम मान लेते हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो h के बराबर है. अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं. सपोज a, b, c एंड d, दीज आर द पॉइंट, और इन b और c पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो x रिज्यूम कर लेते हैं. और यहाँ पर हम रिज्यूम कर करते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग. अब सबसे पहले इन ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ पर भी आपके पास एंगल 30 डिग्री दिया है, तो हमें एच और एक्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे. सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस बी. टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस बी सी. तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3. डी सी की वैल्यू यहाँ पर एच के बराबर लेंगे और डी सी एक्स के. तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाएगा √3 इंटू एक्स के बराबर. या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. अब हम ये ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास होगा ए बी अपॉन बी सी के बराबर. तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. नाउ टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है √3 के बराबर और ए बी आपके पास गिवन है दैट इज हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर. सो दिस विल दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी दैट इज एक्स. तो दैट मीन्स अगर हम x को इधर ले जाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन रूट ऑफ. अब यहाँ पर हम ये इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं. दिस इज सेकेंड. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x हियर. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो दैट मीन्स 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू एच. तो यहाँ से √3 को नीचे ले जाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3. तो एच आ जाएगा 50 अपॉन 3. तो दिस इज द आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर. सपोज हमारे पास दो पोल्स हैं, वो दोनों के ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. यहाँ पर दिस इज द लेंथ ऑफ द रोड और दीज आर द टू पोल्स. नाउ दिस रोड इज 80 मीटर वाइड. तो ये विड्थ है यहाँ पर रोड की दैट इज 80 मीटर. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ से एक साइड पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और दूसरी साइड पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल्स. हमें इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल्स के डिस्टेंस फाइंड करनी है. हम मान के चलते हैं कि मान लो ये पी पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट्स ए बी और सी डी है और
हमारे पास अगर इस पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है हम मान के चलते हैं कि वो एक्स के बराबर है और टोटल डिस्टेंस 80 है, अगर ये डिस्टेंस डी पी एक्स के बराबर है तो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस पी डी वो आपके पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स। और हम मान के चलते हैं सपोज द हाइट ऑफ द पोल्स इज एच, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल हाइट के हैं तो दोनों की हाइट एच के बराबर हम एज्यूम करेंगे। लेट हाइट ऑफ टू पोल्स बी एच। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी यहाँ पर सबसे पहले एंगल लेंगे 60 डिग्री, सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी, तो दिस इज ए बी अपॉन बी। नाउ टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है रूट 3, सो दैट मीन्स रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बी दैट इज एच और बी पी जो है वो एक्स के बराबर है, सो दैट इज एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x। अब इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे पी सी डी, इन ट्राइंगल पी सी डी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी दैट इज सी डी अपॉन बी डी। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/3 और यहाँ से सी डी की वैल्यू है एच के बराबर और पी डी की वैल्यू है 80 माइनस एक्स के बराबर, दिस इज एच अपॉन 80 माइनस एक्स। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x। अब यहाँ से एच की वैल्यू रूट 3x यहाँ पर पुट कर देंगे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3x, दैट मीन्स 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, दैट मीन्स 4x की वैल्यू 80 के बराबर आएगी और यहाँ से x जो है 80 अपॉन 4 यानी कि वो 20 मीटर। इसका मतलब जो बी पी है वो आपके पास जो है वो 20 मीटर आएगा, तो पी डी जो है वो आपके पास है 80 माइनस एक्स दैट इज 80 माइनस 20 वो आपके पास 60 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट दैट इज इक्वल टू रूट 3x, सो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x, h इज इक्वल टू रूट 3 इनटू x की वैल्यू से 20, h आ जाएगा रूट ऑफ जो आएगा 20 रूट 3 मीटर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल, यहां पर सपोज कि एक कैनाल है। Now, जो टीवी टावर है यहाँ पर कैनाल की एक बैंक पर है, दैट इज स्टैंडिंग। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यहाँ पर एक बैंक पर जो टीवी टावर है और दूसरे बैंक पर जो है एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, यहाँ टावर के टॉप पर जो एंगल है वो 60 डिग्री, तो दिस इज टीवी टावर और हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि इसकी जो हाइट है वो h के बराबर है। और उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जो है ऑन द सेम बैंक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से थोड़ी सी दूर पॉइंट पर जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो होगा आपका 30 डिग्री। Now we have to find out the height of tower and width of the canal. यहाँ से जो ये distance है ये 20 meter का और हमें width of canal मान लो this is a canal, so इसकी width हम मान लेते हैं x के बराबर है और ये point को हम mark कर देते हैं A, B और B और ये। सबसे पहले हम triangle लेंगे A, C, D. In triangle A, C, D, tangent of 60 degree that is perpendicular AD upon base C. Now tangent 60 degree की वैल्यू है root 3 और CD जो AD है वो है h के बराबर और CD x के बराबर, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी root 3 h के बराबर।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री लेंगे, वो आपके पास होगा. अब यहाँ से देखिए, जो बी सी प्लस सी डी को मिला के बी डी बनेगा, दैट मीन्स जो बी डी की वैल्यू है वो है बी सी प्लस सी डी के बराबर. तो बी डी आपके पास आ जाएगा 20 प्लस एक्स. अब जो ये ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं, यहाँ पर टेंजेंट 30 डिग्री आएगा. ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, दैट इज ए डी अपॉन बी डी. ना हो जो टेंजेंट 30 डिग्री है उसकी वैल्यू है 1/√3, दैट इज इक्वल टू ए डी है उसकी वैल्यू है एच, और बी डी की वैल्यू है 20 प्लस एक्स. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x. अब यहाँ से एक्स की वैल्यू रूट 3x यहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3x. तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 10 मीटर है, दैट मीन्स जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो 10 मीटर है. अब हमें इसके साथ निकालना है हाइट ऑफ द टावर. तो एक्स की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ 3x के बराबर है. अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर. सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, दैट इज द आंसर. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग. आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7. नाउ अब इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. यहां पर आपके पास एक केबल टावर है, इसके टॉप पर जो एंगल है वो 60 डिग्री. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर दैट इज 60 डिग्री. तो हम ये ज़ूम करके चलते हैं, यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो वो एंगल 60 डिग्री के बराबर है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. और डिप्रेशन है यानी कि जब हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो आपके पास एंगल है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से वो 45 है. पर आपको ये मैंने बताया था कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन है. इसका मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का. अब हमारे पास जो टोटल हाइट है केबल टावर की वो एच मीटर के बराबर है. नाउ अगर हम ये लेके चलते हैं कि अगर ये हाइट 7 मीटर है तो यहाँ से इतनी हाइट भी 7 मीटर के बराबर होगी. अब टोटल हाइट एच के बराबर है, इतनी 7 उसमें से माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगी एच माइनस 7 मीटर. और ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी एक्स के बराबर है. अब हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं ए बी सी डी और. नाउ सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई. इन ट्राइंगल ए बी ई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस बी ई. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है रूट 3, और यहाँ से परपेंडिकुलर ए ई इसकी वैल्यू है एच माइनस 7, और बी ई की वैल्यू है एक्स के बराबर. दैट मीन्स यहाँ से एक्स को इधर ले जाएं तो एच माइनस 7 रूट 3x के बराबर. उसके बाद हम ये ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी यहाँ से हम लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस सी डी. सो दैट इज बी सी टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी. नाउ टेन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, और बी सी की वैल्यू 7 के बराबर है और सी डी एक्स के बराबर है. सो एक्स वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगी.
ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो एच माइनस सेवन इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू सेवन, सो एच माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन रूट थ्री, एच की वैल्यू आ जाएगी सेवन रूट थ्री प्लस सेवन, सो एच इज इक्वल टू सेवन, यहाँ से रूट थ्री प्लस वन, ये आपके पास फाइव आ जाएगी जो आपके पास रिक्वायर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। सपोज ये आपके पास एक लाइट हाउस और यहां से दो शिप्स जो है लाइट हाउस से हमें दिखाई दे रही हैं, या दो पॉइंट्स पर एक दूसरे के एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, दो पॉइंट्स पर ये शिप्स हैं, सो हम इनको मार्क कर देते हैं पॉइंट्स ए एंड बी, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द शिप्स आर लोकेटेड। और यहाँ हम लाइट हाउस के ऊपर से देखेंगे तो पहली शिप के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और दूसरी शिप के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, दोनों ships एक ही side पर हैं, find the distance between two ships। मान लीजिए कि ये दोनों ships के बीच में distance x के बराबर है और lighthouse से दूसरी ship का जो distance है हम इसको जो c नाम दे देते हैं और इसको d, तो यहाँ से ये because ये दोनों angles of depression थे, तो एक ये angle था जो आपका 30 degree का और दूसरा angle था 45। तो यहाँ से फिर ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा और इधर से दूसरा एंगल 45 डिग्री का बनेगा और हमें जो दोनों इस शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है और लाइट हाउस से दूसरी शिप का डिस्टेंस हम वाई मान लेते हैं और जो हाइट है यहाँ से इसकी दी हुई है दैट इज 75 फीट। नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे जो बी डी सी, ये ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री का एंगल लेंगे वो आपके पास आ जाएगा बी सी अपॉन बी सी के बराबर। नाउ टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू है 1, दैट मीन 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी की वैल्यू है y के बराबर, सो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 मीटर। उसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ से टेंजेंट 30 डिग्री ये आपके पास होगा डी सी अपॉन ए सी के बराबर, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज डी सी अपॉन ए सी के बराबर। अब ए सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी के बराबर, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई के बराबर, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 75 रूट थ्री। अब वाई की वैल्यू है आपके पास 75 के बराबर, सो एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट थ्री, सो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 रूट थ्री माइनस 75, तो x आ जाएगा 75 इसमें से कॉमन लेंगे रूट थ्री माइनस 1, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। सपोज यहां पर आपके पास एक गर्ल है, उसकी हाइट 1.2 मीटर है एंड दैट इज स्टैंडिंग जो है ऑन द ग्राउंड एंड a balloon is spotted there at a height of 88.2 meter. Suppose ये आपके पास 88.2 meter की total height है और because the balloon जो है that is seen from the eye, so जो हम height consider करेंगे वो आप consider करोगे यहाँ पर जो ये height है 1.2 है girl की, तो 88.2 में से जब हम 1.2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 87 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सपोज द बैलून इज एट करंट पोजीशन दैट इज हियर,
एंड गर्ल की आई से यहाँ पर जो बेनी के साथ एंगल बन रहा है वो आपके पास है 60 डिग्री। और थोड़ी देर के बाद गर्ल की आई से बैलून इधर शिफ्ट हो जाता है और उस डिस्टेंस कवर करता है, और उसके बाद बैलून का जो एंगल है वो यहाँ से जो है वो 30 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का। और अब हमें जो है एंगल जो डिस्टेंस ट्रेवल पर बैलून बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये डिस्टेंस हम ये बैलून का करंट पोजीशन पर जो गर्ल से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, और बैलून जब यहाँ पर था वहाँ से यहाँ तक आने में उसने डिस्टेंस कवर किया है y। अब हम इन पॉइंट्स को मार्क कर देंगे a b c d और ये e। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, सो दैट मीन्स टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है रूट 3 के बराबर, और जो ए सी डिस्टेंस है वो बी डी के बराबर ई डी के बराबर है, यानी कि जितना ये डिस्टेंस 87 है तो ये डिस्टेंस भी आपका 87 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 87 अपॉन जो बी सी है उसकी वैल्यू x के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन रूट 3 के बराबर। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी उसमें टेंजेंट 30 डिग्री लेंगे, दैट इज इक्वल टू ई डी अपॉन बी डी, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू ई डी अपॉन BD। अब जो BD की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, BC प्लस CD के बराबर, सो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, सो दैट मींस BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू है x और CD की है y, सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ED की वैल्यू 87 अपॉन x प्लस y, सो x प्लस y की वैल्यू है 87 रूट 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इस पे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट करेंगे, 87 अपॉन रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 87 रूट 3, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3, y आ जाएगा यहाँ से हम 87 कॉमन लेंगे रूट 3 माइनस 1 अपॉन, दैट मीन्स 87 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3। अब हम इसको रेशलाइज कर देंगे, रूट 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई होंगे 3, यहाँ से आएगा 29, तो 29 इंटू 2 इंटू रूट 3 ये आ जाएगा 58 रूट 3, सो दिस इज द आंसर। Now, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, सपोज ये आपके पास एक टावर है और हाईवे सीधा टावर के फुट की तरफ जाता है। नाउ अ मैन स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ टावर के टॉप पर खड़ा हुआ एक आदमी वो ऑब्जर्व करता है अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से एक कार है जो मैन ऊपर खड़ा है वो ऊपर से जो नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर है, तो ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का। नाउ विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नाउ यहाँ से हम देखेंगे इधर से 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अब ये एंगल 60 डिग्री का है 6 सेकंड के बाद, यहाँ से कार को यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगे और तब एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा हमें ये पता करना है। नाउ हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ से सपोज जो
टावर है उसकी हाइट एच के बराबर है। कार को इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स के बराबर है और सी से डी पे आने में डिस्टेंस वाई और बी से सी पर आने में जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड का। अब सबसे पहले हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी। अब यहाँ से बी डी किसके बराबर होगा बी सी प्लस सी डी के बराबर तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। इसका मतलब है बी सी की वैल्यू है एक्स के बराबर सी डी की है वाई। अब इस ट्राइंगल में टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस बी। इसका मतलब है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 के बराबर और ए डी को हम एच लिया है तो एच अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ एक्स प्लस वाई आपके पास होगा रूट ऑफ 3h के बराबर, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। नाउ टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है रूट 3 और ए डी की वैल्यू है एच के बराबर और सी डी की वैल्यू है वाई के बराबर। इसका मतलब हमें यहाँ से एच की वैल्यू मिलेगी रूट 3 वाई के बराबर। अब ये h की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3y सो दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 3y। यहाँ से x की वैल्यू 2y के बराबर है। अब ये आपके पास डिस्टेंस bc आ गया। अब टाइम आपके पास दिया है वहां से हम स्पीड निकालेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो x के बराबर है और टाइम की वैल्यू जो है वो 6 सेकंड की है तो x अपॉन 6 यानी कि दिस इज इक्वल टू 2y अपॉन 6 तो y अपॉन 3 ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब दूसरा डिस्टेंस cd जो है अब हम इसका टाइम निकालेंगे और ये वाली स्पीड से हम जो है इसको यूज करेंगे तो अब टाइम आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि जब आपके पास डिस्टेंस cd है और स्पीड आपके पास लगेगी y अपॉन 3 तो cd की वैल्यू y के बराबर है सो y अपॉन y बाय 3 सो y इंटू 3 अपॉन y तो यहां से 3 सेकंड का आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसका मतलब है दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम एक एंगल थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा। सपोज आपके पास एक टावर है और यहाँ के टॉप से दो डिस्टेंसेस पर एक डिस्टेंस जो है 4 मीटर का है यहाँ से जो मान लो इसकी हाइट एच के बराबर है और यहाँ से जो एंगल है वो हम मान लेते हैं कि थीटा के बराबर है और दूसरा डिस्टेंस 9 मीटर का हो टावर के टिप से तो वहाँ से जो एंगल है डिप्रेशन का वो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा देखिए ए बी सी और डी ये लेते हैं। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल ए डी अपॉन बी सो कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9 सेकेंड। अब इसमें आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड
tan theta into cos theta is equal to h upon 4 into h upon 9. Now cos theta 1 by tan ke barabar hai, so that means tan theta into 1 upon tan theta is equal to s square upon 36, which is 1 equal to s square upon 36. So yahan se s square ki value aa jayegi 36 ke barabar, so h will come down to be equal to 6. So this is